ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गई रेजिस्टेंट बॉडी, रेजिस्टेंट रिजिड बॉडी, मैंने आपको समझा दिया प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। फिर आया और प्रैक्टिकली क्या होता है, तो दोस्तों वो रेजिस्टेंट बॉडीज होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिफॉर्मेबल बॉडीज की। तो व्हाट आर द डिफॉर्मेबल बॉडी, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें, सी केयरफुली। एक कोई बार है जिसकी लेंथ एल है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, हैविंग डायमीटर डी, और मैंने इस बॉडी के बीच में दो मॉलिक्यूल्स या एटम अज्यूम किए जिनके बीच की डिस्टेंस है डी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर, बॉडी के ऊपर एक लोड लगाया पी, ठीक। क्या होगा, व्हाट विल हैपन, दिस बॉडी स्टार्ट डिफॉर्मिंग, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी और डायमीटर घट जाएगा, ठीक है। और इसकी जो लेंथ फाइनल हो जाएगी कितनी हो जाएगी, एल प्लस चेंज इन लेंथ। और इसके अलावा ये जो दो एटम के बीच की डिस्टेंस है, जो एटम अभी यहां थे, ये खिसक के यहां पहुंच जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, ये दो एटम यहां पहुंच जाएंगे, ठीक। और ये डिस्टेंस चेंज होकर कितनी हो जाएगी, डी डैश फॉर एग्जाम्पल। तो दोस्तों कुल मिला के ना तो यहां डी कॉन्स्टेंट है, डी इज नॉट कॉन्स्टेंट, चेंज हो रहा है, यानी वेरिएबल है। सिमिलरली यहां कैपिटल एल भी कॉन्स्टेंट नहीं है, वो भी चेंज हो रहा हो जा रहा है, एंड जो कैपिटल डी है डायमीटर, वो भी चेंज हो जा रहा है, यानी सब कुछ चेंज हो जा रहा है, यानी कुछ भी कॉन्स्टेंट नहीं है। ऐसी बॉडी को हम बोलेंगे डिफॉर्मेबल बॉडी, यानी व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इज वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू एक्सटर्नल लोड। तो इट इज वेरी ट्रू कि अगर ऐसा है तो डायमेंशन डेफिनेटली विल बी चेंज, डायमेंशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऐसी बॉडी को हम डिफॉर्मेबल बॉडी बोलेंगे, और डिफॉर्मेबल बॉडीज के लिए डायमेंशनल चेंज, डायमेंशनल चेंज विल बी देयर। डिफॉर्मेबल बॉडीज के लिए दोस्तों डायमेंशनल चेंज होगा, ठीक है। तो ऐसी बॉडी जो डिफॉर्म कर जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे, डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी दो तरीके की हो सकती है दोस्तों, या तो वो फ्लूड हो सकता है या फिर वो सॉलिड हो सकता है। अब एक चीज आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर डिफॉर्मेबल बॉडीज, सी केयरफुली, कोई भी आप सॉलिड उठाएंगे तो एकदम से डिफॉर्म नहीं करता, हर सॉलिड अप टू सर्टेन अमाउंट तक कैसा बिहेवियर रखता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, रिजिड बिहेवियर, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेन है, या मैं बात करूं, मेरे पास ये एक मार्कर रखा हुआ दोस्तों, ठीक है। अब ये जो मार्कर है ये प्लास्टिक का बना हुआ है, देखिए मैं इसको खींचता हूं, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, तो क्या ये रिजिड है, नहीं, ये प्रैक्टिकली रेजिस्टेंट है। लेकिन ध्यान से सुनेंगे, जब मैं इस पर लोड लगाऊंगा 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 लगाऊंगा, मैं इसको यूटीएम पर ले गया फॉर एग्जांपल, तो धीरे 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 ये डिफॉर्म करना चालू कर देगा, समझ में आ रहा है। तो प्रैक्टिकली हर चीज रेजिस्टेंट होती है, ठीक है, प्रैक्टिकली हर चीज, हर सॉलिड बॉडी रेजिस्टेंट बॉडी होती है, अप टू सर्टेन अमाउंट ऑफ लोड तक वो डिफॉर्मेशन शो नहीं करती, उसके बाद शो करती है, ठीक है। डिफॉर्मेबल बॉडीज, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो सर डिफॉर्मेबल बॉडीज क्या है, हर बॉडी, हर सॉलिड बॉडी एक्चुअली रेजिस्टेंट बॉडी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोड हमारा इतना ज्यादा होता है कि बॉडी डिफॉर्म करना चालू कर देती है, समझ में आ रहा है। तो उस केस को हम डायरेक्टली डिफॉर्मेबल बॉडीज के अंदर डील कर लेते हैं, ठीक है। बट कुल मिला के अभी फिलहाल आपको कंफ्यूजन होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, याद रखना है पहले बात, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी क्या है, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती, और रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्या है, जो डिफॉर्मेशन शो ना करे व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड। अब प्रैक्टिकल बॉडीज कैसी है, प्रैक्टिकल बॉडी होती है रेजिस्टेंट बॉडी, जो अप टू सर्टेन अमाउंट ऑफ लोड का डिफॉर्मेशन चालू कर देती है। डिफॉर्मेबल बॉडीज की बात करूं,
तो एक ऐसी बॉडी है कि लोड इतना ज्यादा है कि वो डिफॉर्म होना चालू हो गई है। कहीं ना कहीं ये अगर डिफॉर्म कर रही है, इसका मतलब लोड इतना ज्यादा है कि उसकी वो रिजिडिटी से इतना ऊपर हो गया कि वो डिफॉर्म होना चालू हो गई है। ये भी हो सकता है कि मान लो पी की वैल्यू अगर मैं थोड़ा कम कर दूं, मान लो पी इस वक्त इसी केस की बात करूं, मान लो पी की वैल्यू 100 किलो न्यूटन है, तब जाके ये चेंज इन लेंथ हुआ है। मान लो पी की वैल्यू में 20 किलो न्यूटन कर दूं तो हो सकता है बॉडी डिफॉर्म ना करे। जैसा कि यहां देखते हैं, हम ये पेन है, मैंने इस पर लोड लगाया, देखिए क्या डिफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा। यानी मेरे द्वारा लोड के लिए ये कैसी बॉडी है, फिलहाल रेजिस्टेंट बॉडी है। लेकिन मैं इसको डायरेक्टली यूटीएम पर ले जाऊं और खींच दूं एकदम से, क्या होगा, खींच सकती है ये। उस केस में ये कैसा बेब शो कर रही है, डिफॉर्मेबल बॉडी की तरह शो कर रही है। कुल मिला के फाइनली मैं लौट के आता हूं, दो तरीके की बॉडी है, ध्यान से सुन लेना। रिजिड को कर दो साइड, क्योंकि वो आइडियल केस है। अब बची दो बॉडी, ठीक है, सॉलिड हम लोग पढ़ रहे हैं, सॉलिड मैकेनिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों सॉलिड मैकेनिक्स में दो तरह की बॉडी हमें मिलेंगी देखने को। एक होंगी जो लोड लगाने पर डिफॉर्म नहीं हो रही होंगी, रेजिस्टेंट है, साइड कर दो। एक होंगी लोड लगाने पर डिफॉर्म कर जाएंगी, डिफॉर्मेबल बॉडीज, समझ गए। अब आपको यह नहीं सोचना कि सर अगर वो डिफॉर्मेबल बॉडी जो डिफॉर्मेशन शो नहीं कर रही तो क्या उसको नहीं पढ़ेंगे, हम बिल्कुल पढ़ेंगे। यानी कि रेजिस्टेंट बॉडी की स्टडी नहीं करेंगे, करेंगे हम। एक्चुअली एवरी सॉलिड बॉडी इज रेजिस्टेंट बॉडी। तो दो तरह से हम स्ट्रेसेस को डील करेंगे, आगे पढ़ाऊंगा मैं। एक स्ट्रेस होगी जो स्ट्रेन होने की वजह से दिख रही होगी हमें, और एक स्ट्रेस होगी जो स्ट्रेन रेजिस्टेंस की वजह से दिख रही होगी हमें। इसलिए फिलहाल मैं उस लेवल पे भी आपको ले जाना नहीं चाहता दोस्तों। अभी केवल और केवल इतना समझना है कि ऑल सॉलिड बॉडीज आर रेजिस्टेंट बॉडीज। एक में क्या होगा, लोड लगाने पर डिफॉर्मेशन दिखेगा नहीं, रोक के बैठी रहेगी उसको वो, ठीक है, रेजिस्टेंट बॉडी। एक में ये होगा कि लोड लगाने पर डिफॉर्मेशन दिख जाएगा, ये रही सामने, समझ गए। इसके अलावा ज्यादा दिमाग आपको फिलहाल अभी नहीं लगाना, और साहब वो स्ट्रेस ऐसे कैसे जाएगी, साहब वो कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, प्लीज डोंट डू दैट। हर चीज को पढ़ाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अभी जो पढ़ा है आज का टॉपिक केवल इतना है, रिजिड बॉडी हाइपोथेटिकल बॉडी है, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती, साइड कर दो। मतलब समझ में आना चाहिए रिजिड का, कि डिफॉर्मेशन हो ही ना। अब मैं बोल रहा हूं ऑल सॉलिड बॉडीज आर रेजिस्टेंट बॉडीज, उसमें क्या है, दो चीजें हैं उसमें। अब मैंने लोड लगा दी सॉलिड बॉडी के ऊपर, हो सकता है वो डिफॉर्म ना करे, हो सकता है वो डिफॉर्मेशन देखने को ना मिले, और मैंने लोड लगा दिया, हो सकता है डिफॉर्मेशन देखने को मिले। तो दो केसेस बन गए, नहीं मिल रहा डिफॉर्मेशन तो वो रेजिस्टेंट बॉडी है, मिल गया तो भी रेजिस्टेंट है, बट इतना ज्यादा लोड लगा दिया कि डिफॉर्म कर गई है, सामने ये रही। आई बात समझ में, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, हर सॉलिड बॉडी रेजिस्टेंट बॉडी होती है। आपने लोड लगाया वो हिली नहीं, इसका मतलब उसके लिए लोड इतना पर्याप्त नहीं है कि डिफॉर्मेशन शो हो, और हो सकता है कि आपने लोड लगाया बॉडी डिफॉर्म कर गई है, इसका मतलब लोड इतना ज्यादा था कि वो उसकी उस लिमिट को क्रॉस करेगा जिसके बाद डिफॉर्मेशन चालू कर देती है। तो कुल मिला के मेरे बच्चों, इसके अलावा अभी कुछ भी नहीं सोचना है आपको दोस्तों, अपनी सारी टेंशन मुझे दे देनी है। जितना पढ़ा रहा हूं उतना प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं, आगे मत भागिएगा कि साहब स्ट्रेस कैसे डेवलप हो जाएगी साहब, अरे वो तो हमने पढ़ा था हुसलो तो ये बोलता है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, फलाना ढिमकाना, सब साइड कर दो प्लीज। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी जितना समझा उतना समझ में आ गया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा प्लीज, कि रिजिड क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, डिफॉर्मेबल क्या है, ठीक है। तो डिफॉर्मेबल कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस बॉडी गई वो प्रोपोर्शन है जो डिफॉर्म हो चुका है, डिफॉर्मेबल बॉडी कुछ और नहीं है, रेजिस्टेंट बॉडी का वो पार्ट है जो डिफॉर्म हो चुका है एक तरह से। माने लोड की वो वैल्यू हमने इस पर लगा दी है, रेजिस्टेंट बॉडी के ऊपर हमने वो लोड लगा दिया जिससे वो डिफॉर्म हो चुकी है। इतनी सी बात फिलहाल ध्यान में रखनी है, ठीक है दोस्तों, इतना सा प्लीज ध्यान रखेंगे। वहीं मैं अगर फ्लूड की बात करूं अब दोस्तों, तो फ्लूड कभी भी रेजिस्टेंट नहीं होता है, फ्लूड ऑलवेज डिफॉर्मेबल, माइंड इट प्लीज। बहुत बड़ी बात बोली है, क्या बोली है, अगर हम फ्लूड की बात करें, फ्लूड भी डिफॉर्मेबल बॉडीज हैं। तो फ्लूड में मैंने पानी ले लिया फॉर एग्जांपल, ये पानी है, लेट अस ज़ूम, ये हमने पानी ज़ूम कर लिया, ये पानी की लेयर्स हैं, ठीक है, वाटर है दोस्तों। सॉलिड हमेशा रेजिस्टेंट होते हैं, उन पर हम लोड लगाएं तो हो सकता है वो डिफॉर्मेशन शो कर दें, हो सकता है ना भी करें, ठीक है। जैसे कि मैंने कई एग्जांपल आपको दिए, ठीक है, तो आप कोई भी सॉलिड रॉड उठा लो, आप उस पर लोड लगाओ, हो सकता है डिफॉर्मेशन शो ना करे, हो सकता है डिफॉर्मेशन शो भी कर जाए, ठीक है। लेकिन सी केयरफुली, अगर हम लिक्विड की बात करें, फ्लूड्स की बात करें, अब आप इस पर क्या करिए, शीयर फोर्स लगाइए, है ना, लोड लगाइए,
इस सरफेस पे फोर्स लगाइए, आप इस लेयर पे फोर्स लगाइए एफ, व्हाट विल हैपन, ये लेयर खिसकना चालू हो जाएगी, ये कभी ऐसा नहीं होगा कि रुकी रहे। तो सॉलिड और फ्लूइड में सबसे बड़ा अंतर यही है दोस्तों कि सॉलिड रेजिस्टेंट बॉडीज होते हैं, उन पे लोड लगाने पे हो सकता है वो डिफॉर्मेशन ना दें। कई सारे एग्जांपल हैं, दीवार का एग्जांपल मैंने दिया आपको, स्पैन का एग्जांपल मैंने दिया आपको, मैंने स्क्रीन वाले पैन का एग्जांपल आपको दिया। तो ये सारे कैसे हैं, देखिए सॉलिड हैं सारे और मैं इसको खींच रहा हूं तो खींच नहीं रहे, यानी कि रेजिस्टेंट है, कन्फर्म है। लेकिन फ्लूइड्स, अगर हम फ्लूइड्स की बात करें तो फ्लूइड्स कभी भी रेजिस्टेंट बॉडी नहीं होते हैं, ये हमेशा डिफॉर्मेबल होते हैं, ऑलवेज डिफॉर्मेबल। मतलब अगर आपने फ्लूइड पे लोड लगा दिया तो ये डिफॉर्म होना चालू हो जाएगा। इसीलिए डेफिनेशन भी बनती है क्या, कि फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट डिफॉर्म कंटिन्यूअसली अंडर द एक्शन ऑफ शियर, डज नॉट मैटर द अमाउंट ऑफ द शियर, कि अमाउंट कितना है, छोटे से छोटा शियर भी आप उसके ऊपर लगाएंगे तो वो डिफॉर्म होना चालू हो जाएगा। तो बेटा फ्लूइड्स कभी भी रेजिस्टेंट बॉडी नहीं होते, माइंड इट प्लीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द विस्कोलास्टिक फ्लूइड्स, एक अलग स्पेशल कैटेगरी और है विस्कोलास्टिक, वो बाद में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ाऊंगा। एक नॉर्मल, एक रियल फ्लूइड की अगर मैं बात करूं तो फ्लूइड कभी भी रेजिस्टेंट बॉडी नहीं होता। फ्लूइड पर जैसे हम लोड लगाएंगे, जैसे हम शियर अप्लाई करेंगे, इट स्टार्ट डिफॉर्मिंग, तो हमारा इट स्टार्ट्स डिफॉर्मिंग, ये स्टार्ट हो जाएगा डिफॉर्म करना। आ रही बात समझ में, इसीलिए फ्लूइड जो रियल फ्लूइड्स हैं, जो आइडियल फ्लूइड्स हैं, दे फ्लूइड्स आर नॉट, फ्लूइड्स आर नॉट रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट बॉडी, ठीक है, रेजिस्टेंट बॉडी। फ्लूइड बॉडी कभी भी रेजिस्टेंट बॉडी नहीं होगी, क्योंकि फ्लूइड पर अगर आपने लोड लगा दिया तो डिफॉर्म करेगी, कंपलसरी है, करेगी करेगी। इसीलिए उसकी डेफिनेशन है, इट इज अ सब्सटेंस दैट डिफॉर्म कॉन्टिन्यूसली अंडर द एक्शन ऑफ शियर। समझ में आ रही है बात? तो दोस्तों आई होप कि जो आज मैं बताना चाह रहा हूँ आपकी समझ में आया होगा। तो दोस्तों मैंने स्टार्ट करी थी मैकेनिक्स से, मैकेनिक्स दो तरीके की, रिजिड बॉडी की मैकेनिक्स या सॉलिड या डिफॉर्मेबल बॉडी की मैकेनिक्स। डिफॉर्मेबल में हमें जो पढ़ना है वो सॉलिड बॉडीज पढ़नी है, सॉलिड बॉडीज में भी क्या पढ़ना है, स्टैटिक पार्ट पढ़ना है, ठीक है। तो स्टैटिक डिफॉर्मेबल बॉडीज की स्टडी करना कहलाता है सोम, ठीक है। फिर मैंने आपको रेजिस्टेंट बॉडी के बारे में बताया, ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया फ्लूइड बॉडीज के बारे में। तो फ्लूइड बॉडी कभी भी रेजिस्टेंट बॉडी नहीं होती, इन पर अगर आप लोड लगा देंगे तो हमेशा डिफॉर्म करेगी, कंपलसरी हमेशा करेगी। लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं है, सॉलिड में लोड उसकी लिमिट से कम है तो डिफॉर्मेशन दिखाई नहीं देगा, लोड अगर लिमिट से ज्यादा तो डिफॉर्मेशन दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो सॉलिड बेटा हमेशा रेजिस्टेंट बॉडी होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको इतनी बात जरूर समझ में आज आई होगी, आइए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। दोस्तों प्लीज मैं फिर बोल रहा हूं, जितना पढ़ा है उतना समझना है, उसके पीछे नहीं समझना, उसके आगे नहीं समझना, बस जितना पढ़ा रहा हूं उतना समझते जाइए। धीरे 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 सारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर दूंगा और आपको खुद लगेगा कि नहीं सर मजा आ गया पढ़ के सोम, लेकिन प्लीज आगे भागोगे दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है आप सोच रहे हो अरे साहब ये स्ट्रेस कैसे डेवलप होगी, हमने तो पढ़ा ऑक्सलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, कुछ नहीं सोचना, अभी कुछ भी नहीं सोचना, जितना पढ़ा रहा हूं बस उतना ध्यान देना है, ठीक है मेरे दोस्तों, ध्यान रखेंगे इतना। तो दोस्तों क्या देख रहे हैं हम लोग, फ्लूइड्स आर नॉट रेजिस्टेंट बॉडीज। तो आई होप कि आपको रेजिस्टेंस बॉडीज के बारे में, रेजिस्टेंट बॉडीज के बारे में समझ में आया होगा आज। It's time to experience something glorious. An Academy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you. An Academy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. An Academy Combat. Register now.